हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ डाइटिशियन नेहा सिंह, डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। आप सभी का डाइट जोन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ PCOD डाइट प्लान। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, इसे PCOS भी बोलते हैं। इसके होने पर बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं और हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसकी वजह से ओवरी के अंदर छोटे छोटे सिस्ट डेवलप होने लग जाते हैं, जिसे हम PCOD बोलते हैं। PCOD होने पर बहुत सारे सिम्टम्स बॉडी के ऊपर शो होते हैं, जैसे कि अनवांटेड बॉडी हेयर, अनवांटेड फेशियल हेयर, वजन का बढ़ जाना, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना, फेस पर एक्ने हो जाना, इरेगुलर पीरियड्स, हैवी पीरियड्स, माइग्रेन एंड इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। जो भी लोग PCOD से ग्रसित हैं, उन्हें 30 मिनट्स का वर्कआउट जरूर करना चाहिए। या तो वॉकिंग कर सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी कंप्लीट लाइफ स्टाइल को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्लीप शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए, 7 to 8 hours की स्लीप साइकिल फिक्स होनी चाहिए। 3 to 4 liters पानी का इंटेक रोजाना होना चाहिए। साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि वाइटल रोल प्ले करते हैं PCOD को क्योर करने के लिए, उन्हें जरूर अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, जैसे कि प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक्स, एंटीऑक्सीडेंट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड, सिलेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम एंड फाइबर अच्छे अमाउंट में लेना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं डाइट प्लान। अर्ली मॉर्निंग आपको 2 glasses तक ल्यूकवॉर्म वाटर पीना है। उसके बाद में आपको सीड साइकिल फॉलो करनी है, जिसमें आपको आधा चम्मच पम्पकिन सीड्स, आधा चम्मच फ्लैक्स सीड्स को पानी के साथ में लेना है। आप इसका पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें गुड अमाउंट में ओमेगा, मैग्नीज, फाइबर अवेलेबल होता है। ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। ये साइकिल आपको 13 डेज तक फॉलो करना है एंड 14 डेज ऑनवर्ड्स आपको लेना है आधा चम्मच सनफ्लावर सीड्स, आधा चम्मच सीसमे सीड्स। इसका भी आप पाउडर ले सकते हैं या फिर रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें गुड अमाउंट में पैंटोथेनिक एसिड्स अवेलेबल होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अच्छे अमाउंट में अवेलेबल होता है, जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। यदि आप इस सीड साइकिल को फॉलो करते हैं तो ये आपके मेंस्ट्रुएशन को सॉल्व करने में हेल्प करती है एंड आपकी साइकिल को भी प्रॉपर डे टू डे लाने में हेल्प करती है। देन आपको लेना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप करी लीव यानी कि मीठी नीम और मोरिंगा लीव यानी कि सहजन की फली के पेड़ की पत्तियों का जूस बना करके 1 glass लेंगे। उसके साथ में आप कोई भी नाश्ता जैसे कि रागी का पॉरेज, उत्पम, उपमा, इडली, ढोकला, पोहा, दलिया, खिचड़ी 1 servings तक लेंगे। इसमें 30 ग्राम तक पनीर का इस्तेमाल करेंगे। ये आपको कंप्लीट प्रोटीन प्रोवाइड करेगा एंड फाइबर एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड करेगा। साथ में 1 आंवला उबला हुआ जरूर लें। नेक्स्ट मील आता है मिड मील। मिड मील में आपको खीरे की स्मूदी लेना है, जिसमें खीरा, दही, अदरक एंड नींबू को ऐड करके ब्लेंड करके उसकी स्मूदी बनाना है और उसको ड्रिंक करना है। देन टाइम आता है लंच का। लंच में आपको 1 कटोरी स्प्राउट का सैलेड या दाल लेना है, उसके साथ में 1 रोटी और कोई भी 1 cup फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में इवनिंग टी। इवनिंग टी में आप लेमन टी विद हनी लेंगे, जिसमें आपको कंप्लीट विटामिन सी प्रोवाइड हो। साथ में 1 मुट्ठी तक नट्स लेंगे, जिसमें कम्प्लीटली जिंक आपको मिलता है। ये स्नैक्स आपको एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज भी शो करेगा। देन टाइम आता है डिनर का। डिनर में आपको राइस या चपाती 1 serving लेना है, उसके साथ में आप पनीर या कॉर्न का सलाद हरी सब्जियों के साथ में बना कर लेंगे। इसको सब्जी फॉर्म में भी ले सकते हैं। देन बेड टाइम पर आपको 1 cup अजवाइन की टी या फिर 1 cup तुलसी की चाय का इस्तेमाल करना है। तो ये था कंप्लीट डाइट प्लान, जो कि आपको PCOD क्योर करने में हेल्प करेगा। इसको जरूर फॉलो करें, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर हिट करें, जिससे कि आप मेरे न्यूली अपडेटेड वीडियोस वॉच कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।